हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि इतिहास का जो पार्ट नंबर वन है यूरोप में राष्ट्रवाद इसे जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस वीडियो में देखेंगे टॉप तीस भी ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को पहला न प्रश्न कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन तीस प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही थे तो इसका राइट आंसर है यूरोप जो इटली और जर्मनी वर्तमान में वह यूरोप महादेश में आते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बियना कांग्रेस द्वारा की गई थी हेप्सबर्ग आर्लिया वंश और सी है वंश और डी है जारशाही तो जो फ्रांस में पुनः स्थापना बियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी यह बुरबो वंश के द्वारा की गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो जो मेजनी थे उनका संबंध यह कार्बोनरी से था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण एक के विरुद्ध निम्न में से कौन था जो इटली एक देश था और जर्मनी इसके एकीकरण एक जब एक 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 हुआ तो उसके विरुद्ध में कौन सा देश आया था तो वह देश था ऑस्ट्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा चार का सी नेक्स्ट ना प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया तो काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने वह इन्हें प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के रूप में इन्हें नियुक्त किया यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ना प्रश्न है कि गेरीवाल्टी पेशे से क्या था तो ये प्रश्न सभी को मालूम होगा और बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न बार बार पूछता है तो गरीवालडी यह पेशे से नाविक था जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जर्मन राज्य राज्य का निर्माण किसने किया था तो जर्मन राज्य राज्य का निर्माण यह नेपोलियन बोना के द्वारा किया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी तो जालवेरिन यह एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लोहो की नीति का अवलंबन किसने किया तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क के द्वारा अवलंबन किया गया था नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न की फ्रेंक फर्ट की संधि कब हुई थी तो जो फ्रेंक फर्ट की संधि हुई थी यह अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी में हुई थी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी में फ्रेंक फर्ट की संधि हुई थी प्रश्न है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी तो जो नेपल्स की क्रांति यह अठारह सौ इक्कीस ईस्वी में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न की चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था तो जो, जो चार्टिस्ट आंदोलन यह इंग्लैंड में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था तो यह सन अठारह सौ बत्तीस ईस्वी में यूनान को एक प्रकार से स्वतंत्र इसे घोषित कर दिया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ तो जो कार्बोनरी संगठन हुआ था यानी कि एकत्रित हुआ था यह सन अठारह सौ दस ईस्वी में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी में से हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी तो जो एड्रियानोपुल थी नोपुल की संधि यह सन अठारह सौ उनतीस ईस्वी में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है प्रश्न कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी तो एड्रियानोपुल की संधि यह तुर्की और रूस के बीच में हुई थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था तो सेडोन के जो युद्ध हुआ था यह फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था फ्रांस और प्रासा जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था यानी कि उनका अधिकार था तो वह हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण रूप से अधिपत्य था यानी कि अधिकार था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया तो पोलैंड के विद्रोह को यानी कि जो आंदोलन किए थे उन्हें रूस ने कुचल दिया था यानी कि उन्हें हटा दिया था यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है सन 1870 सौ ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दो जो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 सौ ईस्वी में जो युद्ध हुआ था यह सीडोन में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है तो यह यूनान के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि युवा इटली संस्था का विकास किया गया तो युवा इटली संस्था का विकास यह काउंट का बोर ने किया था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right, सॉरी जो युवा इटली संस्था का जो विकास हुआ था यह मेजनी के द्वारा किया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था तो बिस्मार्क यह निम्न में से यानी कि इनमें से यह एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क एक प्रकार से कूटनीतिज्ञ था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है कि साडिया पिडमाउंट का शासक कौन था तो साडनिया पिडमाउंट का शासक यह विक्टर इमेनुएल थे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह शहीद हो गए थे प्रश्न है कि जल की संस्था सॉरी जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की तो जलवेर की जो स्थापना यह प्रशा के द्वारा की गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी की भाषा क्या थी तो हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी उस समय तो हंगरी की जो भाषा थी यह मैग था यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्ठाईस नंबर प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई तो तुर्की की हुई थी तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है ध्यान में रखिएगा बार बार यही प्रश्न दोहराता है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है तो तुर्की को कहा जाता है याद रखिएगा और यहाँ पे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की के भी पराजय हुई थी नेक्स्ट ना प्रश्न है कि मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी तो मौर्यन तो मौर्यन यह फ्रांस की थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यह यूनान को कहा जाता था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टॉप तीस प्रश्नोत्तर को देख चुके हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्नोत्तर इसी तीस में से पूछते हैं तो कृपया इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर करें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में